फ्रेंड्स, नाइन्थ क्लास है, मैथ्स है और यूपीएसएसटी। इसमें हमारे पास कल हमने लास्ट वीडियो में 1.1 पढ़ी थी। आज 1.2 हमारे कोर्स में नहीं है, 1.3 है। जो 1.3 आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं इसमें कि निम्नलिखित बिनों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखिए, ये रखा हमारे पास 36/100। तो ये बताना है कि ये दशमलव जो है किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हमें शांत का पता होना चाहिए। शांत किसे कहते हैं? ऐसी परिमेय संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में हो लेकिन भाग देने के बाद उनमें शेषफल जीरो रहता हो तो शांत कहलाता है। और अशांत उसे कहते हैं जिसमें जीरो नहीं था, निरंतर भाग चलता जाता है, उसे कहते हैं अशांत। तो हमें इसमें शांत और अशांत बताना है, भाग करके दिखाएंगे हम आपको। ये हमारे पास वैसे तो 1-2 0 बच गई हैं, तो 0.36 यानी शांत हो गया क्योंकि भाग जीरो आ गया। कैसे आ गया ये देखेंगे। 100 का भाग देंगे 36 में। अब देखिए, 36 में भाग जा रहा, भाग उठ के जीरो लग गया, 0.0। 300 बचे 60, फिर जो उधर जीरो और 600। तो यानी यहाँ पर शेषफल के जीरो रह गया, शेषफल क्या रह गया? जीरो रह गया, शेषफल जीरो रह गया। तो ये हमारे पास संख्या क्या रहेगी? शांत आ जाएगी। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है इसी का, दूसरा क्वेश्चन है इसी का, क्या दे रखा है इसमें दूसरे क्वेश्चन में? 1/11। अब ये बताना है शांत है अशांत है। तो हमने आपको बताया कि 11 का भाग देंगे, 11 का भाग देख के बताए थे आपको एक में। तो एक का भाग जाने रहा, भाग भी जीरो लग गई, जीरो फिर भाग जाना, भाग भी जीरो लग गई, फिर जीरो, 11 99 बचा एक, फिर जीरो भाग भी जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर 11 99। इस तरह से ये निरंतर जा रहा है, यानी जीरो नहीं आ रहा भागफल में, 0.09009 इस तरह से निरंतर जा रहा है। तो ये अशांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अशांत। यानी भागफल में अगर भाग देने पर शेषफल जीरो रहता है तो शांत कहलाता है, और भागफल में जीरो नहीं रहता तो क्या कहलाता है? अशांत कहलाता है। इसी तरह से इसका तीसरा क्वेश्चन से इसी का तीसरा क्वेश्चन है 4C1/8। 4C1/8 है, तो इसको ये मिश्र भी नहीं, इसको मिश्र में सरल भी बनाएंगे। सरल बनाने के लिए पहले 8 को, इससे 8 4 32 और 1 33 होते हैं। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि इन दोनों बीच में काय का निशान होता है। बच्चा जिक्र भी कहता है कि साहब इंटू का निशान होता है, जबकि इंटू नहीं होता, यहाँ प्लस का निशान होता है, ध्यान रखेंगे। कैसे? 8 4 32 और 1 33, तो 33/8 आ गया। अब इस 8 का भाग लगा देंगे, 8 का भाग लगाए 33 में, 8 4 32 बचे 0, 8 8 बचे 2, 0, 8 2 16 बचे 4, 8 5 40। तो यहाँ भाग देने पर क्या आ गया? 4.125। भागफल क्या आ गया? जीरो आ गया। शेषफल क्या आ गया? जीरो आ गया। शेषफल जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा? शांत आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये 1.1 के कुछ सवाल हैं जो आपको मैं दे रहा हूँ, वो आप खुद करेंगे। जैसे एक चौथा क्वेश्चन से यह आपको आपके वर्क है, ये करना है 3 6 13। पाँचवा क्वेश्चन से 2/11 और छठा क्वेश्चन है 329/400। ये 3 क्वेश्चन आपको करना है स्टूडेंट्स। इस तरह से होंगे जो आपको मैंने सवाल करवाए हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका दूसरा क्वेश्चन से क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि एक बटे सात बराबर 0.1428 वास्तव में लंब भाग दिए बिना क्या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इसका अपन को कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए ये 7 का भाग लगा दिया हमने, इसमें इस एक में, तो भाग यार भाग के 0 0, 7 × 7 बचे 3, 7 × 28 बचे 2, 7 × 14 बचे 6, 7 × 56 बचे 4, 7 × 35 बचे 5, 7 × 7 = 49। यानी अब वापस एक शुरू हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, तथा 2/7 बराबर 2 से 1/7, 2 × 7 तो क्या जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे तो 2 तो इसमें से, और 7 का मान कितना है, 1.7 का मान है 0.142857। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2/7 का निकालना है, तो इसका 2 है और 1/7 से गुणा कर लेंगे, तो 2 तो इसी के से 1/7 का मान दे ही रखा है हमारे पास, 2 से गुणा करेंगे, 2 × 2 = 14, 2 × 5 = 10 और 11, 2 × 8 = 16 और 1 × 17, 2 × 2 = 4, 1 = 5, 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 2। तो ये हमारे पास 2/7 का गया। इसी तरह से हमारे पास 3/7 है, 3/7 तो हम इसको 3 से 1/7 तो बराबर 3 तो इसमें से, और 1/7 का मान कितना हमारे पास 0.412857, 3 से गुणा कर लेंगे तो 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15 और 2 × 17, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, 24 × 25 आंसर 2, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 4, तो 4.28 आ गया, 42 857। इस तरह से हमारे पास आगे के जो मान हैं वो 2/3 का बता दिया, 2/7 का बता दिया मैंने, 3/7 का बता दिया, इसी तरह 4/7 का निकालेंगे, 5/7 का निकालेंगे और 6/7 का मान इसी तरह से निकालेंगे, जो आपको इस तरह से बताया मैंने। इस तरह से दोबारा देखेंगे कि हमारे पास 1/7 का मान इधर का भाग अगर दिखा दिए कि इस तरह से भाग देना है। अब हमारे पास 2/7 है, तो 2 तो इसी वजह से, और 1/7 का मान कितना है ये, इसको 2 से गुणा कर लीजिए ये आ गया। अगर 3/7 का निकाल लें तो 3 तो इसी वजह से, 3 और 1/7 का मान कितना है 1/7, तो 1/7 3 तो इसी वजह से 1/7 का मान कितना है ये, तो इसको इससे गुणा करना है ये आ गया। इस तरह से 4 से करेंगे तो 4 से गुणा कर देंगे इस मान को, 5 से करना है तो 5 से गुणा कर देंगे, इसी तरह से 6 से करना है 6 से, इस तरह से हमारा भाग हो जाएगा। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है 0.6 बार a पर लगा हुआ है, तो हमारे पास इसमें बताना है कि इसको p/q के रूप में लिखना है। तो हम माना कि x बराबर 0.6, तो 6 कर सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, ये समीकरण एक आ गया। अब बार हमारे पास कितनी संख्या पर, एक पर है तो 10 से गुणा करेंगे, अगर दो संख्या पर होता 100 से गुणा करते, 3 संख्या के ऊपर होता तो 1000 से गुणा करते, तो दोनों पक्षों को दस से गुणा करने पर, तो ये इसको 10 से गुणा करेंगे, 10 × x बराबर 0.6666 × 10, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे, हमने दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर तो
इसको 10 से गुणा कर 10 120, और इसको इससे गुणा करेंगे 10 से गुणा करने पर हमारे पास 6.66 इस तरह से समीकरण। अब समीकरण एक व समीकरण दो से क्या समीकरण एक व समीकरण दो से समीकरण एक क्या दो क्या है हमारे पास 10x बराबर 0 और 6.6666 और इधर क्या है x बराबर 0.6 ये घट जाएगी माइनस माइनस 10 में से x 10x में से 1x गया तो 9x बच गए और ये 6 रह गए x बराबर कितना जाएगा 6/9 कट गए 3 से 3 दूनी 6 3 3 यानी x संख्या क्या आ गई परिमेय संख्या कितनी आ गई 2/3 आ गई ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। आज तक इतने ही आगे कल करेंगे हम